अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त अनीस राव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनीस राव। जी दोस्तों, मैं आज आया हूं पटियाटा, और पटियाटा में हम लोग सबसे जो यहां का अट्रैक्टिव जो यहां पे चीज़ है वो है चेयरलिफ्ट। तो इंशाल्लाह मैं चेयरलिफ्ट की सैर करूंगा और आपको भी सैर करवाऊँगा। तो दूसरा यहाँ के आस पास के मनाजिर भी आपको दिखाऊँगा, और पटियाटा की कितने फ़ीस है चेयरलिफ्ट की और क्या चार्जेज़ हैं, क्या तरीका है, क्या सीन है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ड्रोन भी उड़ाऊँगा इंशाल्लाह, और ड्रोन के मनाज़िर भी दिखाऊँगा। पटियाटा का टॉप व्यू भी लेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे साथ रहिएगा, ये वीडियो आपने शुरू से एंड तक देखनी है, और इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत पसंद आएगी आपको। अगर आप पटियाटा आने वाले हैं या आ चुके हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखिए और मेरे चैनल अनीस राव को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए आपको सैर करवाता हूँ। इस लाइन को देख के सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और फिर लाइन में लग के चुप करके खड़े हो जाना और अपनी बारी का इंतज़ार करना। चेयर लिफ्ट में बैठने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जी दोस्तों, ये मेरी टिकट है चेयर लिफ्ट की, पटियाटा की 850 की ये टिकट है। पटियाटा चेयर लिफ्ट पर बहुत ज़्यादा रश था अभी तक, हम लोग लाइन में और 35 से 40 मिनट शायद हमें यहाँ पर लाइन में लगना पड़ेगा, तब जाके हम चेयर लिफ्ट पे पहुँचेंगे। लो जी, चेयरलिफ्ट के सफ़र का आगाज़ हो चुका है। पटियाटा चेयरलिफ्ट पे सवार हो चुके हैं हम लोग।
मैं हूँ और मेरे साथ शकील भाई हैं। बड़े ज़बरदस्त मनाजिर हैं पैट्रियाटा चेयरलिफ्ट के आसपास। बहुत खूबसूरत पहाड़ हैं, बहुत सारे लोग वापस भी आ रहे हैं घूम के, और हम लोग अभी अपने सफ़र की तरफ गामजन हैं और इंशाल्लाह अगले 15 से 20 मिनट में वहाँ पहुँचेंगे। इसी तरह से मैं आपको इस चेयरलिफ्ट के तमाम मनाजिर इंशाल्लाह दिखाऊंगा। टॉप पर जाएंगे, वहाँ थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, चाय वाय पियेंगे। बाबा जी कोई पता नहीं। हर तरफ ये बाबा जी हुआ पड़ा है। बाबा जी लाहौर लाहौर। हमारी चेयरलिफ्ट रुक गई है, पता नहीं किस वजह से रुकी है, हो सकता थोड़ी देर तक स्टार्ट हो। साइड के मनाजर दिखाता हूँ, देखें कितने बड़े बड़े दरख्त हैं यहाँ पे। रोड भी है, नीचे गाड़ियाँ जा रही हैं। बहुत प्यारी धूप निकली हुई है और इस प्यारी धूप के अंदर चेयरलिफ्ट की सवारी बहुत ही इंजॉय कर। आज नहीं छड़े नहीं है गए बाबा जी ब्याह है। टॉप पर पहुंच चुके हैं और चेयरलिफ्ट का सफ़र तकरीबन ख़त्म होने वाला है और इसके बाद फिर केबल कार का सफ़र का आगाज़ होगा। तो यहाँ पर काफ़ी लोग वापसी का सफ़र शुरू कर चुके हैं। भाईजान मेरी भी बनाना टिकटॉक पे मिल जाएगी। मिल जाएगी। क्या नाम? आईडी लाला अली। बाबा जी छड़े हैं वो किथे है भाई? ये नया आ गया यार। बजन पीपनियां अगली तो पढ़ते मकार।
जी हमारे उतरने का वक्त हो चुका है, अब यहाँ हम लोग उतरेंगे। वापसी का सफ़र भी काफ़ी मज़ेदार है और पहले हम लोग ऊपर हाइट की तरफ जा रहे थे, अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। और जो लोग सैर के लिए आ रहे हैं वो तमाम चेयरलिफ्ट सीट्स फुल हैं, हाउस फुल चल रहा है, काफ़ी रश है आज यहाँ पे। और वर्किंग डे होने के बावजूद इतना रश है, और वीकेंड में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रश है। पाकिस्तान की खूबसूरती लोगों के साथ शेयर किया करें, और ताकि हमारी पाकिस्तान की खूबसूरती पूरी दुनिया को दिखा सकें और पूरी दुनिया को पता चले कि हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। वैसे भी मौजूदा गवर्नमेंट काफ़ी टूरिज्म पे काम कर रही है और माशाल्लाह टूरिज्म काफ़ी प्रमोट हो रहा है पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान के जो मकामी लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा मतलब जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं उनको विज़िट नहीं करते। चंद शौकीन लोग हैं जो मतलब इस तरह की टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं, घूमते हैं। यहाँ के मकामी लोगों का रोज़गार जो है ज़रिए मुआश हमारे इस टूरिज़म से वाबस्ता है, तो प्लीज़ आप लोग कोशिश किया करें कि इस तरह की वीडियो जहाँ भी देखें, कोई भी ब्लॉगर, कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी फॉरेनर जो हमारी पाकिस्तान की ब्यूटी को आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं यूट्यूब के चैनल के थ्रू, उसे लाइक किया करें, शेयर किया करें लाजमी, इससे हमारे पाकिस्तान की उम्मीद मजीद बढ़ता रहता है। और चंद साल पहले मैं यहाँ पे आया था, इस बार ज़्यादा मैंने रश किया, हालांकि अभी विंटर सीज़न है, समर में तो मेरे ख्याल में यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं, बहुत ज़्यादा रश है। आज भी मुझे एक घंटा लगा है चेयर लिफ्ट पे सवार होने में, बहुत रश है। और जैसे कि आपको पता ही है कि कार लिफ्ट का प्लान मैंने कैंसिल किया, वहाँ भी हमें एक घंटा लग जाता है इंतज़ार में केवल कार पर सवार होने के लिए, तो मैंने फिर ये प्लान चेंज कर लिया। तो अब हम लोग उतरने के करीब हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको उतरने के बाद। उतरने का वक्त आ गया है, दिखाना फ्रंट की तरफ कर रहे, पाँव उठा रहे, तो
पैट्रियाटा की सैर कंप्लीट हुई और मैंने भी सैर की और आपको भी करवाई, तो पाकिस्तान के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात मैं आपको दिखाता रहूँगा इंशाल्लाह। और मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।